रिया के पीछे एक आदमखोर भेड़िया दौड़ रहा है। भेड़िया बहुत तेज है, उसको हराना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है। रिया जंगल के बीच से भागती हुई एक गुफा के सामने आ जाती है। रिया ने गुफा के अंदर जाने का सोचा, लेकिन गुफा बंद थी। गुफा को ओपन करने के लिए रिया को गुफा का कोड समझना होगा। रिया थोड़ा सोचती है और कोड को समझ लेती है। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं कोड क्या होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पहले फिगर में 5 × 3 15 हो जाएगा और 3 × 3 9 हो जाएगा और 15 − 9 हो जाएगा 6, जो बीच वाला नंबर है। वैसे ही दूसरे फिगर में 6 × 2 12, 4 × 2 8 और 12 − 8 हो जाएगा 4, जो वापस बीच वाला नंबर है। तो वैसे ही आखिरी वाले ट्रायंगल में 6 × 4 हो जाएगा 24, 6 × 3 हो जाएगा 18 और 24 − 18 हो जाएगा 6, तो कोड हो जाएगा 6। रिया जैसे ही कोड 6 प्रेस करती है तो उसके सामने एक जिग्सॉ डोर आ जाता है। रिया फटाक से पीसेस को स्वॉप करती है और जिग्सॉ डोर को सॉल्व करके अंदर चले जाती है। आप भी ऐसे जिग्सॉ पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिकल आर्मी डाउनलोड कर लीजिए जिग्सॉ डोर गेम और ऐसे ही जिग्सॉ सॉल्व कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रिया किसी तरह गुफा में तो घुस जाती है, लेकिन भेड़िया गुफा के बाहर ही खड़ा है और रिया का इंतजार कर रहा है। पर सवाल यह है कि रिया यहां तक पहुंची कैसे? क्यों भेड़िया रिया के पीछे लग गया है? चलिए देखते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि रिया खजाने के नक्शे का टुकड़ा लेके बैतुल गांव से निकल जाती है। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि खजाने के नक्शे का पांचवा टुकड़ा कहां मिलेगा। खबरी वो पता करने के लिए निकल जाता है। खबरी उड़ते उड़ते जिग्सॉ गांव के ऊपर से गुजरता है तो देखता है कि गांव वाले बड़े परेशान हैं और दिमागी नाम के एक व्यक्ति से अपनी समस्या पूछ रहे हैं। लेकिन दिमागी भी समस्या को सुलझा नहीं पा रहा है। लेकिन कौन है ये दिमागी? दिमागी जिग्सॉ गांव का सबसे दिमाग वाला व्यक्ति है। कोई भी समस्या होती है तो गांव वाले दिमागी के पास जाते हैं। एक बार की बात है, गांव में दो नाई थे। दोनों की दुकान आजू बाजू में थी। एक नाई के हेयर थे एकदम मस्त और दूसरे नाई के हेयर थोड़े बिगड़े हुए थे। गांव वाले बड़े कंफ्यूज थे कि हेयर कटवाए किससे, तो दिमागी के पास गए और दिमागी ने उन्हें तुरंत बता दिया कि हेयर किससे कटवाना चाहिए। आपको क्या लगता है, ए या बी, किससे हेयर कटवाना चाहिए? आपका आंसर कमेंट कीजिए। दिमागी गांव वालों को बोलता है गांव में दो ही नाई हैं, मतलब दोनों ने एक दूसरे के हेयर कट किए होंगे। अच्छे हेयर वाले के बाल बिगड़े हेयर वाले ने काटे होंगे और बिगड़े हेयर वाले के बाल अच्छे वाले ने काटे होंगे। मतलब बिगड़े बाल वाला नाई अच्छे हेयर काटता है, तो गांव वालों को उसके पास जाना चाहिए। दिमागी का ये दिमाग देख के गांव वाले बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन आज की समस्या दिमागी भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था, तो खबरी उड़ते हुए रिया के पास जाता है और रिया को गांव में लेके आ जाता है। रिया गांव में पहुंचती है और गांव वालों से उनकी समस्या पूछती है, तो गांव वाले बताते हैं कि सोहन उसके घर में बंद हो गया है और हम दरवाजा नहीं खोल पा रहे हैं। हम में से किसी को भी ये कोड नहीं समझ रहा है। दिमागी को भी ये कोड नहीं समझ रहा है। क्या तुम इस कोड को समझ के रोहन को बाहर निकाल सकती हो? क्या आप रिया की मदद कर सकते हैं सोहन को घर से बाहर लाने में? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। और अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। रिया ध्यान से देखती है और कोड 9 प्रेस करती है तो डोर ओपन हो जाता है। चलिए देखते हैं कि कोड 9 क्यों है। इन दो नंबर्स को देखिए, 5 × 6 30 होगा, 5 + 6 11 होगा और 30 − 11 हो जाएगा 19। वैसे ही 8 और 3 में 8 × 3 होगा 24 और 8 + 3 होगा 11, तो 24 − 11 हो जाएगा 13। तो वैसे ही
6 इंटू 3 होगा 18 और 6 प्लस 3 होगा 9, तो 18 माइनस 9 हो जाएगा 9। लेकिन डोर ओपन करते से रिया के सामने एक एनिमल जिग्सॉ डोर आ जाता है। रिया जिग्सॉ डोर को ध्यान से देखती है, पीसेस को स्वॉप करती है और डोर ओपन कर देती है, तो सोहन बाहर आ जाता है। गांव वाले बड़े खुश हो जाते हैं, पूरे गांव में रिया फेमस हो जाती है, हर तरफ रिया की वाई वाई होती है। ये सब देख के दिमागी जलने लगता है। दिमागी रिया से बदला लेने के लिए एक डायन के पास जाता है। दिमागी तो आ जाया मेरे गुफा के अंदर। दिमागी डायन को रिया के बारे में बताता है, तो डायन उसे बोलती है कि मेरी पहेली का जवाब दे तो मैं तुझे रिया से लड़ने की तरकीब बताऊंगी। और डायन दिमागी से पहेली पूछती है। हरा भरा है मेरा अंक, रहता हूँ डिब्बी में बंद, डिब्बी खोलना सरल है काम, बताओ बच्चों मेरा नाम। दिमागी के लिए यह पहेली बड़ी आसान थी। दिमागी जवाब दे देता है मटर। तो डायन दिमागी को एक अंगूठी देती है और बोलती है, इस अंगूठी को तुम जब भी घसोगे एक आदमखोर भेड़िया आ जाएगा, जिसके पास ये अंगूठी होगी ये आदमखोर भेड़िया सिर्फ उसी की बात सुनेगा। इस भेड़िये को तुम रिया पे छोड़ देना, इस भेड़िये से कोई नहीं बच सकता। दिमागी बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन सोचता है कि गांव में ऐसा नहीं कर सकता, तो वो किसी तरह किसी बहाने रिया को जंगल में अकेले बुला लेता है। रिया अकेले ही जंगल में आ जाती है। रिया को आते देख दिमागी तुरंत अंगूठी को रब करता है, तो सामने भेड़िया आ जाता है। दिमागी भेड़िया को रिया को मारने का आदेश देता है। ये देख रिया वहां से दौड़ती है और भेड़िया रिया के पीछे दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते रिया जिग्सॉ गुफा के अंदर जाके छुप जाती है और भेड़िया बाहर रिया का इंतजार करता रहता है। रिया को तभी गुफा के पीछे से एक रास्ता मिलता है। रिया वहां से निकलती है और दौड़ते हुए दिमागी के पास पहुंचती है और दिमागी को बोलती है, भेड़िया मेरे कंट्रोल में आ गया है और मैंने उसे जिसके पास अंगूठी है उसे मारने बोल दिया है। भेड़िया भी दौड़ते हुए तुम्हारे पास ही आने वाला है। रिया दिमागी के पीछे जाके खड़े हो जाती है, तो भेड़िया तेजी से दिमागी की तरफ दौड़ते हुए आता है। दिमागी डर जाता है और अंगूठी निकाल के फेंक देता है। रिया तुरंत अंगूठी उठाती है और अपने उंगली में पहन लेती है और रब करके भेड़िये को गायब कर देती है और दिमागी को बोलती है, बताओ दिमागी किसने दी तुम्हें ये अंगूठी। तो वो डर के मारे रिया को डायन के बारे में बताता है। रिया दिमागी को तो वार्निंग देके छोड़ देती है, लेकिन तुरंत डायन से लड़ने के लिए निकल जाती है। डायन रिया को देख के शॉक में चले जाती है कि रिया भेड़िया से बची कैसे। तभी उसे रिया के हाथ में अंगूठी दिखती है, तो डायन समझ जाती है कि ये बहुत समझदार है। रिया डायन से खजाने के नक्शे के बारे में पूछती है, तो डायन उसे बताती है कि पांचवा हिस्सा मेरे पास है, लेकिन उसको पाना इतना आसान नहीं है, तुम्हें मेरी तीन पहेलियों का जवाब देना होगा। और वो रिया से पहली पहेली पूछती है, प्रथम कटे तो दर हो जाओ, अंत कटे तो बंद हो जाओ, केला मिले तो खाते जाओ, बताओ मैं हूं कौन। रिया इसका जवाब बड़ी आसानी से दे देती है, बंदर। तो डायन रिया से दूसरी पहेली पूछती है, रिया इस पिक्चर को ध्यान से देखो और बताओ इसमें कितने स्क्वायर्स हैं। लेकिन जो इमेज है वो जिग्सॉ है, तो रिया को पहले जिग्सॉ सॉल्व करना होगा। रिया जिग्सॉ को ध्यान से देखती है, पीसे स्वॉप करती है और जिग्सॉ सॉल्व कर देती है। क्या अब आप देख के बता सकते हैं इस पिक्चर में कितने स्क्वायर है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इस पिक्चर में टोटल 18 स्क्वायर्स है, छोटे वाले 8 है,
उससे बड़े वाले 5, उससे बड़े वाले ये 4 और सबसे बड़ा वाला ये 1, तो टोटल हो गए 18। रिया इसका भी जवाब दे देती है, तो डायन वहां से गायब हो जाती है और फिर रिया के सामने 3 डायन आ जाती है। तीनों साथ में बोलती है, बताओ रिया हम में से असली डायन कौन सी है। रिया ध्यान से तीनों को देखती है और समझ जाती है। क्या आप देख के बता सकते हैं तीनों में से असली डायन कौन सी है? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। डायन के पैर उल्टे होते हैं, तो सेकेंड वाली डायन के पैर उल्टे हैं। रिया वो देख के समझ जाती है। डायन रिया को खजाने के नक्शे का 5वां टुकड़ा दे देती है। रिया के पास अब खजाने के नक्शे का 5वां टुकड़ा भी आ गया है। रिया खजाने के एकदम करीब आ गई है। हम अगले हफ्ते वापस आएंगे ठीक 1 बजे।